हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल और आज है मेरी छुट्टी और मुझे आज बनानी है डांस की वीडियो। और आज खाना वगैरह नहीं बनाना था तो इसीलिए डांस की वीडियो आज मैं सुबह ही शूट कर रही हूँ। मतलब 10-11 बजे का टाइम है ये, और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि सुबह डांस की वीडियो बन रही है, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं तो इसलिए शाम को ही जनरली मेरी वीडियोस बनती हैं। लेकिन आज सुबह ही टाइम मिल गया तो अभी मैं रेडी हो चुकी थी, लेकिन मुझे ये याद आया कि मेरे पास ये सेट रखा हुआ है। किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था ये, और अरुण के बर्थडे पर मुझे ये गिफ्ट मिला था। तो मतलब बर्थडे अरुण का था लेकिन गिफ्ट मेरे लिए आया था स्पेशली। ये भी प्यार है लोगों का मेरे लिए। तो मुझे आज याद आ गया कि मेरी इस ड्रेस पे ये मैच हो रहा है, मैंने पहन के भी नहीं देखा था अब तक। तो आज इसको मैं पहन रही हूँ, और मल्टी कलर है ये, किसी भी ड्रेस पे चल सकता था और इस पे काफ़ी अच्छा मुझे लगा तो मैंने इसके साथ पहन लिया। और अभी हम डांस की वीडियो शूट करेंगे। और आज घर का काम क्यों नहीं किया, खाना पीना क्यों नहीं बनाया, उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि मैं अभी अभी ना बाहर से आई हूँ और भूख लगी हुई थी बहुत ज़ोर से, और अरुण ने ऊपर ही मेरा खाना भिजवा दिया था, बोले ऊपर ही खा लो। तो मैं पहले पेट पूजा कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। और नीचे ना कंचक मिठाई थी पहले, वो क्यों बिठाई थी वो सारा मैं आगे आपको खाना खा के बताऊंगी। तो ये हुनर का खाना था, मीन्स कंजक बिठाई थी तो उसने छोड़ दिया था। तो हम खाना वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, और उन्होंने ना वही वाली प्लेट ऊपर भिजवा दी और एक्स्ट्रा खाना भी मतलब डलवा के ऊपर ही भिजवा दिया था कि ऊपर ही खा लेना। तो चलिए खाना खा लेती हूँ एक बार। खाना मैंने फिनिश कर दिया है और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नीचे की जो वीडियोज़ आप लोगों को अभी दिखाई थी उसमें क्या सब चल रहा है। एक्चुअली ये महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और ये हर साल ऐसे ही मनाते हैं। ये हमारी पूरी गली है, सभी का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है और सभी मिलजुल कर लंगर लगाते हैं। और इसमें किसी का स्पेशल इनविटेशन नहीं होता, मतलब लंगर में तो ये है ना कि कोई भी खाना खा सकता है आके।
तो चाहे वो आस पड़ोस के लोग हों या फिर कोई रास्ते से जाता हुआ कोई मजदूर है, कोई भी मतलब खाना खा सकता है। ये लगभग 3 घंटे के आसपास तक चला था। और इसकी खास बात ये है कि इसमें सिर्फ हलवाइयों को बुलाया जाता है, सर्विंग के लिए किसी को भी नहीं रखा जाता। और गली के जितने भी बच्चे होते हैं वही सब सर्व करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो हलवाई के पास ध्यान रखते हैं, और जो बच्चे होते हैं या यंग लड़के होते हैं वो सब सर्विंग का काम देखते हैं यहाँ पे। और सुबह से ही ये शुरू हो गया था, और जैसे आलू छिलवाना, पूड़ी बेलना है तो इस टाइप के कामों में भी हेल्प करते हैं। तो अच्छा लगता है कि भाई हाँ, बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिली है। और आपको कंवर सिंह भी इसमें दिख रहा होगा, वो 9-10 बजे से ही नहा धो के नीचे पहुंच गया था, और 3:30 बजे उसको मैं ऊपर लाई, वो भी ज़बरदस्ती, बट जब तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो क्या क्या बना था वो मैं बता देती हूँ अब। 2 सब्जी थी, पूड़ी, खीर और हलवा। और स्टार्टिंग होती है कंजक बिठाने से। सबसे पहले कंजक बिठाई गई थी, और उनको जैसे हम नवरात्रि पे देते हैं तो वही सब कुछ दिया जाता है, जैसे पैसे, केले और प्रसाद। फिर उसके बाद भंडारा शुरू कर देते हैं। तो हमने तो आज इस तरह से शिवरात्रि मनाई है, और हुनर का भी कुछ अता पता है नहीं कि वो कहाँ है, क्योंकि उसको कंजक का प्रसाद दिया गया था तो बस ऊपर भिजवा दिया था, खाना तो उसने कुछ था नहीं। आज तो ना को सुत्ता काम हो गया, एक नंदन साहब ने ना झूठ बोल के भांग पिया दी। अभी मैंने खाना खाया ना, तो वो मेरे को ऐसे गिलास में ना भर के दे गए और बोले कि ये ले लियो। और मैंने पूछा ये क्या है, क्योंकि मैंने पहले देखी तो थी नहीं कि भांग कैसी होती है। तो बोले कि लस्सी है और पी लियो। तो मैं कहा ठीक है, मुझे लगा कुछ पालक वालक इसमें डाल दी होगी तो इसलिए थोड़ी सी ग्रीन होगी, तो मैं कहा ठीक है पी लूँगी। तो वो देखे मेरे को चले गए नीचे, और खाने के साथ जैसे मैं पीने लगी इसको तो ये मेरे को मीठी सी लगी, और टेस्ट मुझे पता नहीं था कैसा होता है, तो मैं मीठा थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो मुझे लगा कि भाई मीठी लस्सी मैं नहीं पीऊँगी। हालांकि लस्सी वाला टेस्ट भी लगा, पर फिर भी मतलब बोला था तो मैंने उस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगा मीठी लस्सी ही है और मुझे नहीं पीने, पता नहीं कैसी है। तो लेकिन फिर भी 1-2 सिप मैंने पी ली इसकी, मतलब ये यहाँ तक भरा हुआ था। और फिर थोड़ी देर बाद आए एक और गिलास लेके, ये रखा, तो बोले वो लस्सी पी ली तूने? मैं कहा हाँ थोड़ी सी पी ली, कुछ बची हुई है। बोले क्यों पी, क्यों नहीं, मैं तो एक और ले आया, ये पी लियो। मैं बोली मैं ये मीठी लस्सी है मैं नहीं पीऊंगी, आपको पता तो है वो मैं नहीं पीती मीठी लस्सी। तो बोले कि लस्सी नहीं है ये, मैं कहा और क्या है? बोले भांग है। मैं कहा भांग किसने बना दी? तो यहाँ नीचे ही है उनके फ्रेंड एक, उन्होंने बना रखी थी। तो मैं कहा मैं नहीं पीती, आपको पीनी हो तो पी लो। बोला ना मेरे को तो बाहर जा रहा है इसलिए मैं नहीं पी रहा। मैं कहा अच्छा मेरे को पिला दो। तो आज भाई भांग का भी टेस्ट कर लिया। और दिल्ली में रहने का ना ये एक अच्छा बेनिफिट है कि भाई हर छोटी बड़ी चीज़ को ना बहुत अच्छे से यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा लगता है कि मतलब हर चीज़ में सेलिब्रेशन हो, तो अच्छा तो लगता ही है ऐसी चीज़ें देख के करके। आप लोगों ने शिवरात्रि कैसे मनाई वो कमेंट करके बता देना ज़रूर। और आज का जो हमारा व्लॉग है उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि सुबह डांस वाली वीडियो बनाई थी, फिर यहाँ पे बीच में कहीं जाना भी था किसी के साथ, और फिर घर का थोड़ा काम, अभी बच्चे सुला रही हूँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।